विनेश फोगाट, वो महिला पहलवान जिसको खोटा सिक्का कहा गया था और उसने अपने खोटे सिक्के की चमक को स्वर्णिम आभा में बदलने की पूरी तैयारी कर ली थी। जी हाँ, जब दो मुकाबले एक साथ हिंदुस्तान देख रहा था टेलीविजन चैनलों पर, एक तरफ हॉकी का और एक तरफ कुश्ती का, तो कुश्ती में दिन भर दो कुश्तियां लड़ने के बाद रात को जब क्यूबा की पहलवान को 5-0 से पटकनी दे दी थी विनेश फोगाट ने, तो उन्होंने रजत तो पक्का किया था लेकिन रजत से हम संतुष्ट नहीं हो रहे थे। और अपनी माँ से वीडियो कॉल पर भी विनेश फोगाट ने कहा था गोल्ड लाना है, गोल्ड। और वो तपस्या थी उनकी पूरे 9 से 10 सालों की, जिसमें उन्होंने अपने आप को इस मेडल के लिए तैयार किया था। अभी कुछ ही समय पहले एशियाई खेलों से बाहर हो जाने पर उन्हें खोटा सिक्का कहा गया था। खोटा सिक्का इसलिए कि उन्होंने भारत के कुश्ती फेडरेशन में चलने वाली गतिविधियों को लेकर और खासतौर पर उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण सरन सिंह को लेकर उन पर आरोप लगा दिए थे। लेकिन जो बुधवार का दिन था, बुधवार का दिन 7 अगस्त का दिन पूरे देश के लिए सुबह ही सुबह गहरी निराशा वाला रहा। कहां तो पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि हॉकी में जरा से हम चूक गए सेमीफाइनल में, और जो 2-2 का मुकाबला बराबरी पर जर्मनी से चल रहा था उसमें आखिरी समय में 6 मिनट रहते जर्मनी ने गोल कर दिया और उस गोल से हम पीछा नहीं छुड़ा पाए और हम हार गए। मध्य रात्रि को जब भारत के खेल प्रेमी निराशा के भाव से सोए थे, वो सुबह इसी उम्मीद से जगे थे, हॉकी में हार गए तो कोई बात नहीं, मारी छोरियां छोरों से कम है कि ये करेगी विनेश फोगाट, जो उन्हीं महावीर फोगाट की भतीजी है जिनकी दोनों छोरियां गीता और बबीता देश का नाम पहले ही चमका चुकी थी। लेकिन ओलंपिक मेडल वो भी सोने सा चमकता हुआ उसकी आस थी। और महावीर फोगाट का वो बयान सुर्खियां बना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी छोरी को लेने एयरपोर्ट जाऊंगा, क्योंकि उनकी भतीजी की यानी विनेश फोगाट की इच्छा थी कि जब भी मैं ओलंपिक मेडल जीतूं तो मेरे ताऊ मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए। हिंदुस्तान तैयारियां कर रहा था कि इतिहास रचा जाना है। पहली बात तो सेमीफाइनल में जाने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान थी, कोई गया नहीं था सेमीफाइनल में अब तक। 50 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में जब फाइनल मुकाबला अमेरिका की पहलवान से होना था एन सारा हिंडरबर्ग से, तो फिर ऐसा लगा कि अब सोने का पदक आने ही वाला है। जिस तरह का फॉर्म, जिस तरह का खेल दिखाया था लगातार 6 तारीख को विनेश फोगाट ने, 3 कुश्तियां एक के बाद एक जीती, सब जानते हैं बहुत कठिन काम है इस तरह से कुश्ती लड़ पाना लगातार और जीतना। उसमें खास तौर पर पहला मुकाबला उनका जो था यूई ससाकी, जापान की पहलवान, 82 कुश्तियां उन्होंने लगातार जीती थी। 82 कुश्तियों में अनबीटन यानी वो हारी नहीं थी, किसी से भी परास्त नहीं हुई थी। उनको जब हरा दिया विनेश फोगाट ने तो उम्मीदें जाग गई थी। और उसके बाद जब यूक्रेन की पहलवान ओक्साना लिवाच को क्वार्टर फाइनल में हरा दिया, तो फिर ये लगा कि अब लोपेजी को हराना, क्यूबा की जो पहलवान है उनको हराना इतना मुश्किल नहीं, और वही हुआ भी। 5-0 से वो जीत गई, और 5-0 से न केवल वो जीत गई बल्कि देश की उम्मीदें जीत गई, देश की उम्मीदें जग गईं। और हम सब तैयारी कर रहे थे कि हम बुधवार को रात को टेलीविजन चैनलों पर वो मुकाबला देखेंगे जिसमें इतिहास रचा जाने वाला है। लेकिन अचानक खबर आई कि अब विनेश फोगाट मुकाबले में खेल ही नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका वजन तय सीमा से ज्यादा निकला। जी हाँ, 50 किलोग्राम में वो भागीदारी कर रही थी तो उनका वजन 50 किलोग्राम ही ठीक होना चाहिए। तो जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है यानी UWW, जो विश्व स्तर का संगठन है, हर खेल का एक विश्व स्तरीय संगठन होता है जहाँ से नियम कायदे निर्धारित होते हैं उस खेल के, तो उसमें ये जो विश्व संगठन है कुश्ती का UWW, उसके नियमों के मुताबिक 1 किलोग्राम भी वजन आपका जो भार कैटेगरी है, जो वजन वर्ग है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है, 2016 के रियो ओलंपिक में 48 किलोग्राम वजन वर्ग में भाग लेने वाली विनेश फोगाट ने उसके बाद टोक्यो के ओलंपिक में उससे कहीं ज़्यादा वजन वर्ग में यानी 53 किलोग्राम के वजन वर्ग में भाग लिया था। इन दोनों ही वजन वर्गों को आजमा लेने के बाद विनेश फोगाट को उनके कोच ने सलाह दी होगी और उन्होंने भी कड़ी मेहनत की होगी कि उनको अब 50 किलोग्राम की भार कैटेगरी में कुश्ती लड़ना है, जो उनके लिए ज़्यादा मुफीद होगी, सही होगी, उसमें शायद जीत की संभावनाएँ हों। उनका यह फैसला बिल्कुल सही निकला। 53 किलोग्राम में उनको सफलता नहीं मिली थी, 48 किलोग्राम में उनको रियो में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 50 किलोग्राम में एक ही दिन में 3 कुश्तियां जीतकर वो सीधे फाइनल में पहुंच गई थी। रजत पक्का किया था, लक्ष्य उनका स्वर्ण था, निगाहें सोने पर लगी थी, लेकिन केवल
100 ग्राम वजन, जिनको लग रहा है कि अरे 100 ग्राम से क्या होता है, वो यही समझ लें कि 1 ग्राम भी वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 अगस्त की बात करें तो 6 अगस्त को जब वजन लिया गया था तो विनेश का वजन 49 किलो और 900 ग्राम आया था, मतलब जो तय वजन है उससे 100 ग्राम कम, तो वो चल जाएगा, इसलिए उनको खेलने दिया गया। तीनों कुश्तियां वो जीत गई। उसके बाद जब उनका वजन किया गया तो उनका वजन दरअसल 100 ग्राम ज्यादा नहीं था, बल्कि उनका वजन आया था 52 किलो 700 ग्राम। जी हाँ, 52 किलो 700 ग्राम, मतलब कुल वजन जो 12 घंटे के अंदर बढ़ गया विनेश फोगाट का वो था 2 किलो और 800 ग्राम, क्योंकि 49 किलो और 900 ग्राम पर वो थी और 52 किलो और 700 ग्राम पर वो पहुंच गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझने की कोशिश आज हम करते हैं, क्योंकि पूरा देश ये जानना चाहता है कि इतनी बड़ी विश्व मंच की स्पर्धा ओलंपिक, जिसमें वैसे भी हमें लगातार निराशा मिल रही है, कांसे के पदक देखकर थोड़ी खुशी है लेकिन मन उदास है कि रजत या स्वर्ण की आभा इस बार पेरिस के ओलंपिक में नहीं बिखर रही है, वहां पर केवल 100 ग्राम के। हेमा मालिनी ने तो ट्वीट भी किया है, अरे केवल 100 ग्राम से चूक गई, इससे क्या होता है। अमेरिकी पहलवान है जॉर्डन, वो कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दे दिया जाना चाहिए, वो इसकी हकदार हैं और नियम भी बदलने चाहिए कि केवल 100 ग्राम वजन अगर बढ़ जाता है 12 घंटे में तो उससे किसी पहलवान को कुश्ती से दूर नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जिस भार वर्ग में पहलवान खेलते हैं उसको 2 बार जो उनका स्पर्धा के पहले वजन होता है पहलवानों का, उसको बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए पहलवान कड़ी मशक्कत करते हैं। पहलवानों की दुविधा समझिए, एक तो उनको वहाँ पर 6 मिनट के उस दांव पेच के लिए अपनी शक्ति को, अपने स्टैमिना को, अपने सामर्थ्य को बनाए रखना है और उसके लिए उनके शरीर में उस तरह का भोजन शक्तिवर्धक होना चाहिए जिससे वहाँ पर उनका दम न फूले, वहाँ ताकत उनके शरीर में बनी रहे। वहीं दूसरी ओर उनको ये देखना है कि जिस वजन वर्ग में वो खेल रहे या खेल रही हैं उससे ज़्यादा वजन उनका न हो जाए। तो जब वजन होने वाला होता है उसके पहले उनको भूखा भी रहना पड़ता है, प्यासा भी रहना पड़ता है, क्योंकि वजन में पानी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इस पर मैं आऊँगा पानी की बात। पप्पू यादव जो ओलंपिक्स में गए थे, सुशील कुमार जो गए थे, उन सब पहलवानों ने भी अमर उजाला को बताया कि कैसी कड़ी, और सुशील कुमार का तो बयान भी है कि उनका वजन ज़्यादा आया था, उन्होंने पानी नहीं पिया रात भर, खूब कसरत की, पसीना बहाया, तब जाकर उनका वजन आखिरी समय में जब वजन लिया गया तब जाकर संतुलित आया। तो ऐसा होता है, पहलवानों को इन 2 चीज़ों में बहुत संतुलन बनाना पड़ता है कि कहीं वो कमज़ोर न हो जाएं, बीमार न हो जाएं, उनकी शक्ति बनी रहे, इसलिए वो खान पान सही रखें, लेकिन खान पान जो वो लें उससे वजन नहीं बढ़ जाए। अब यहाँ पर गंभीर चूक शायद जो कोच और साथ की पूरी टीम है, डाइटिशियन होते हैं, आहार विशेषज्ञ होते हैं, उनसे हुई है, क्योंकि 12 घंटे के अंदर 2 किलो 800 ग्राम, 2.5 किलो से ज़्यादा वजन बढ़ जाना बहुत चिंता का विषय है। और जब भारतीय टीम के सहयोगियों को, कोच को ये पता लगा तो उनके होश उड़ चुके थे। इसके लिए विनेश ने लगातार रात भर मेहनत की, खूब पसीना बहाया, रस्सी कूदी, साइकिलिंग की, वर्जिश की, कसरत की, कोशिश की वजन कम हो जाए, उनके बाल काटे गए, क्या क्या नहीं किया गया, उनके शरीर से खून निकाला गया, जो सूचना आई उसके मुताबिक कुछ पूरा, तो आप किसी को इस तरह कमज़ोर नहीं कर सकते, लेकिन जो जिस तरह के वस्त्र वहाँ पर जिनकी आज्ञा दी जाती है, अलाउ किए जाते हैं वजन लेते वक्त, उसमें भी कोशिश की गई कि कम से कम वजन शरीर पर हो जिससे वो सारा भार हट जाए। बहुत सारी कोशिशें करके उस बढ़े हुए 2 किलो 800 ग्राम वजन को कम कर दिया गया, लेकिन फिर भी 2 किलो 700 ग्राम कम हो गया। आखिर का 100 ग्राम इस तमाम मशक्कत के बाद भी रह गया, और यही कारण था कि जब उनको स्पर्धा से बाहर किए जाने की खबर आई तो उसके बाद लगभग बेहोशी की हालत में उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। वो कमज़ोर हो गई क्योंकि रात भर उनने वर्जिश की थी, कसरत की थी, वजन घटाने के लिए कुछ भी खाया नहीं था, पिया नहीं था, पानी तक नहीं पिया था, इसलिए वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई। और ऐसा अक्सर खिलाड़ियों और पहलवानों के साथ होता है। पहलवानों को अपने भार वर्ग में वजन को बनाए रखना होता है, उसकी चुनौती इतनी बड़ी होती है कि पानी, कई बार पानी का वजन कम होने से शरीर में अचानक वजन कम होता है, वरना आप इस तरह से शरीर में, कई लोग जो आज के आधुनिक युग में अपनी जीवन शैली से, लाइफस्टाइल से परेशान हैं और अपने मोटापे को कम करने के लिए, वजन को घटाने के लिए लगातार मशक्कत करते हैं, वो भी जानते होंगे कि आप 2 दिन जिम चले जाएंगे और 2 दिन 2 रोटी कम खाएंगे तो उससे वजन कम नहीं होता, महीनों
मेहनत करनी पड़ती है, लगातार एक नियमित जीवन शैली अपनानी पड़ती है, तो खिलाड़ियों का तो जीवन उससे आगे कठिन अनुशासन और परिश्रम का होता है। पहलवान को शक्ति चाहिए, इसलिए तो हो सकता है वो तीनों मुकाबले जीतने के बाद, चूंकि सुबह उनका वजन किया गया था तो 49 किलो 900 ग्राम आया था, सही वजन था, उसके लिए भी उन्होंने पहले मेहनत की होगी 24 से 48 घंटे, तब जाकर सही वजन उस दिन आ गया। उसके बाद 3 कुश्तियां लड़ी, वो थकी होंगी, उनको शक्ति की ज़रूरत महसूस हुई होगी, तो उनको वैसा आहार दिया गया होगा, लेकिन वो आहार ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। 2 किलो 2.5 किलो वजन अगर वो रात घर में घटा पाई हैं तो शायद आहार थोड़ा संतुलित होता, केवल 1.5 किलो से ही उनका वजन बढ़ता, तो फिर इतनी बड़ी मुसीबत सामने नहीं खड़ी होती। इस पर चूक कहाँ हुई ये देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो टीम उनके साथ, उनके पर्सनल कोच, उनके फिटनेस कोच और आहार विशेषज्ञ जो काम कर रहे थे, उस स्तर पर बड़ी चूक हुई है, और इस चूक ने पूरे देश को गहरी निराशा में ढकेल दिया। हर किसी की जुबान पर यह था कि ये बहुत दुखद हुआ, गलत हुआ। ये बात भी सही है कि इसको लेकर राजनीति बहुत ज़्यादा हुई है, जितनी ज़्यादा राजनीति हुई है उतना और बुरा लग रहा है। विनेश के स्पर्धा से बाहर हो जाने का जितना गम है, दुख है, उतना ही और उससे कहीं ज़्यादा कुछ मामलों में दुख इस बात का है कि इस मसले पर राजनीति हो रही है, गोया सरकार ने कोई षड्यंत्र रच दिया हो। हम इसके विस्तार में फिलहाल इस बात को समझों में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम समझना ये चाहते हैं कि ये 2 किलो 800 ग्राम वजन बढ़ा कैसे और इसको नियंत्रित क्यों नहीं किया जा सकता। नियंत्रण की सीमाएं हैं। कुछ बड़े पहलवान जो पहले इस तरह की विश्व स्तरीय स्पर्धाओं में खेल चुके हैं, उनसे बात करके हमें पता लगा कि 500 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक का वजन बढ़ जाना सामान्य बात है, क्योंकि जब वजन होता है उसके बाद आप कुश्ती के लिए कुछ घंटे होते हैं बीच में, तो आप खाते पीते हो ताकि आपका स्टेमिना, स्फूर्ति उस प्रतिस्पर्धा में बनी रहे, तो वजन बढ़ता ही है। लेकिन अगले दिन फिर से अगर स्पर्धा है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा वजन नहीं बढ़े। 1.5 किलो वजन को कंट्रोल में लाना, नियंत्रित करना बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं है, जैसा विनेश ने तो रात भर मेहनत करके लगभग वहाँ तक पहुँच गई थी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में और थोड़ा सा दूर रह जाने में वही अंतर होता है जो चैंपियन के बनने में और चैंपियन के ना बनने में होता है, वही हमारे साथ हो गया। विनेश, तुम सचमुच चैंपियन हो और तुमने जिस जीवट के साथ अपने खेल को उस मुकाम पर पहुंचाया है, उसको सब सलाम करते हैं। आगे भी उम्मीदें आपसे बाकी हैं। आपने 29 वर्ष की उम्र में भी अपनी फिटनेस को, अपने स्टैमिना को उस लेवल पर बनाए रखा है जो एक इससे अधिक युवा खिलाड़ी में होता है। आपने रियो से लेकर तीसरे ओलंपिक तक अपनी फिटनेस रखी, फाइनल में आप पहुंच गई थी, आपका स्वर्ण लगभग पक्का था लेकिन नहीं आ पाया, फिर भी अपनी इस चैंपियन शैली को, जो लड़ाका प्रवृत्ति है, उसको बनाए रखिए। हम शुभकामनाएं दे सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी विनेश से हमें कुछ अच्छा, बढ़िया, बेहतरीन दिखने को मिलेगा और वो कुछ अन्य विश्व स्पर्धाओं में अवश्य कोई मेडल जीतकर इस कमी को पूरा करेगी। इससे हमें दो बड़े सबक मिले हैं, एक तो ये कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो चैंपियन होते हैं, जो कर्मठ होते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं, वो किसी भी आलोचना और निंदा का जवाब अपने काम से देते हैं। जो चैंपियन होते हैं वो अपना जवाब खेल से देते हैं। क्रिकेट इस देश में बहुत देखा जाता, हमने देखा कि जब गावस्कर हों, तेंदुलकर हों, धोनी हों, विराट कोहली हों, रोहित शर्मा हो, इनकी आलोचना हुई, अखबारों में इनके खिलाफ लिखा गया, प्रशंसक गुस्से से भर गए क्योंकि खेल नहीं अच्छा हो पाया, खराब था, तो जवाब बल्ले से या गेंद से दिया गया, मैदान में दिया गया जवाब दूर तक पहुंचता है, देर तक गूंजता है। विनेश फोगाट का फाइनल में पहुंचना भी एक ऐसा ही जवाब है जो दूर तक पहुंचा है, देर तक गूंजेगा, और उन्होंने, जो लोग उनके आलोचक रहे, जिन्होंने भी उन्हें खोटा सिक्का कहा, उनको जवाब दे दिया कि खोटा नहीं, खरा सोने सा चमकता सिक्का वो है, सोना जीत भी नहीं पाई तो भी दिलों में उन्होंने वही जगह बनाई है। बड़ा सवाल फिर भी यही रहेगा कि आखिर 12 घंटे में 2.5 किलो से ज़्यादा वजन बढ़ कैसे गया, और अगर बढ़ गया तो ध्यान क्यों नहीं दिया गया। अगर शुरू में थोड़ा ध्यान दिया जाता तो फिर आज हम तैयारी कर रहे होते विनेश फोगाट को सोना जीतते हुए देखने की। ऐसा हो न सका, लेकिन फिर भी बात को समझने की हमने कोशिश की कि कैसे और कहाँ चूक हो गई। इस मामले के और विस्तार में जाने के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।